गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो जैसे कि हम ग्रुप थ्योरी कर रहे थे, उसमें हम सेकेंड चैप्टर सब ग्रुप किया था हमने, सेकेंड चैप्टर सब ग्रुप, उसके उस थ्योरम से हमने देखी है कि सब ग्रुप होगा तो क्या होगा, एंड सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमें क्या क्या देखना होगा। मेन तो हमें पता ही है, सब ग्रुप होने के लिए सेम ऑपरेशन होना चाहिए ग्रुप का, एंड सेकेंड वन इज ग्रुप की सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। क्लोजर तो हो ही जाएगी, एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स। एसोसिएटिविटी नहीं देखते, क्यों? क्योंकि जो एच था सब ग्रुप जिसको हम दिखाना चाह रहे हैं वो जी का ही सबसेट था। अगर जी ग्रुप के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो हम कहेंगे एच के लिए भी होती है। अब हमने सब ग्रुप के लिए एक मेन थ्योरम करी थी, क्या? एच सब ग्रुप होगा जी का, ये सब ग्रुप का साइन था ना, जी का सब ग्रुप होगा कब? इफ एंड ओनली रिवर्स इम्प्लाइज, अगर दो एलिमेंट हमने एच में से लिए तो क्या होगा? ए बी इनवर्स बी एच में से होगा, अगर सब ग्रुप था, ये कंडीशन थी हमने थ्योरम की थी ना। और अगर ये कंडीशन है दो एलिमेंट एच में से हैं और अगर उनके लिए ए बी इनवर्स भी एच में से आ जाए तब हम क्या कहेंगे कि वो हमारा सब ग्रुप होगा, कौन सा? एच। ये थ्योरम देखी थी हमने। और अब मल्टीप्लिकेशन के लिए है, अगर एडिटिव ऑपरेशन आ जाए, मतलब जो ऑपरेशन संक्रिया थी प्लस हो जाए तो ए बी इनवर्स का मतलब ए माइनस बी, क्योंकि बी इन बी का इनवर्स प्लस ऑपरेशन योज्य ग्रुप में माइनस बी, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एच होना चाहिए अगर ए और बी दो एलिमेंट इसके अंदर है तो। के अब जो हम एग्जांपल्स करने वाले हैं आगे इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड होंगे, ये जो प्रॉपर्टी है इसी प्रॉपर्टी पे हमारे ऑलमोस्ट एग्जांपल्स होंगे। के सो लेट्स स्टार्ट। तभी थ्योरम के टाइम भी आपको बताया गया था कि ये एक हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। के सो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, सिद्ध कीजिए इकाई के एनवे मूलों का समुच्चय है, गुणात्मक ग्रुप समूह ग्रुप थ्री नोड क्रॉस का सब ग्रुप है। सिद्ध कीजिए कि इकाई के एनवे मूलों का समुच्चय या सेट गुणात्मक ग्रुप या मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप कौन सा? सी नॉट क्रॉस, इसका मतलब समझते हो ना, सी नॉट या सी जीरो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है लेकिन उसके अंदर जीरो नहीं है। जैसे हमने आर नॉट किया था ना, आर नॉट क्यू नॉट क्रॉस क्रॉस, वैसे ही सी नॉट क्रॉस का एक सब ग्रुप होता है। हमें दिखाना है ये, देखो हमारा ग्रुप है जी, ये सी नॉट क्रॉस गुणात्मक ग्रुप मतलब ऑपरेशन गुना है। हमें दिखाना क्या है, इकाई के एनवे मूलों का समुच्चय है या सेट, इसको मान लेते एच, माना एच, उसका नाम दिया एच किस टाइप का, इकाई के एनवे मूल मतलब एलिमेंट लेने हैं सी नॉट में से किस टाइप के, उस रेज़ टू पावर वन इज इक्वल टू आइडेंटिटी, डन। इकाई की एनवे मूल हमने ग्रुप प्रूफ करते टाइम किया था ना, ये वन रेज टू पावर वन बाई एन इज इक्वल टू इकाई का एनवा मूल, इकाई क्या वन, उसका एनवा मूल मतलब वन रेज टू पावर वन बाई एन इज इक्वल टू एक्स। अब दोनों तरफ एक्स करेंगे तो क्या, ये तो वन, दोनों तरफ पावर एन करेंगे, वन इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन, इस टाइप के एलिमेंट, वही एलिमेंट हम ले रहे हैं, एक्स बिलोंग्स टू सी नोट सच डैट एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू वन, ये हमारा एच है। अब इसे हमें दिखाना है सब ग्रुप एच को,
इसमें क्या होता है, h में n सम्मिश्र संख्याएं हैं, क्योंकि पावर n कर रहे हैं ना, n मतलब उसके अंदर सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, जैसे कि x की स्क्वायर होता था तो दो रूट होते हैं इसके, अब x रेस्ट पावर n है इसका मतलब n रूट होते हैं, बट जरूरी तो नहीं है सारे रियल हो, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते थे सम्मिश्र, क्योंकि हम यहाँ से सी नोट में से ले रहे हैं, तो सम्मिश्र h में n सम्मिश्र संख्याएं हैं। या कॉम्प्लेक्स नंबर है, डन। अब देखो हमें H को सब ग्रुप दिखाना है, सबसे पहले तो वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। देखो अब वो वन अगर हमने लिया, वन की पावर कितनी भी करें हमेशा हमें वन ही मिलेगा, मतलब वन की पावर n वन मिलेगा, इसका मतलब वन किस में से है, हमें एच में बिलोंग करता है, वन सी नोट में से तो होता ही है, उसके अलावा वन हमारा एच में बिलोंग कर रहा है, डन। सब इसका मतलब हमारा जो एच था वो नॉन एम्प्टी सेट हो गया, अरिक उपसमुच्चय है ये, अरिक सबसेट। अब हमें क्या, अब हमें दो एलिमेंट अगर हमने ली, हमें सब ग्रुप दिखाना है, सबसे बेसिक थ्योरम हमें क्या पता है, दो एलिमेंट लिए हमने H में से, हमें दिखाना है एक्स वाई इनवर्स भी H में, अगर ये कंडीशन हो गई तब हम कहेंगे कि हमारा H क्या है, सब ग्रुप है, ये प्रूफ करना है हमें, टू प्रूफ यही दिखाना है। अब हम लेते हैं दो एलिमेंट हमारे H में से, X और Y H में से लिए। अब देखो अगर x हमारा h में है, x h में किस टाइप के एलिमेंट, उसकी पावर n करने पर हमें 1 मिले, मतलब x रेस्ट टू पावर n इज इक्वल टू 1। अब y भी क्या है h में, उसकी पावर भी n करने पर हमें 1 मिलेगा, देन अगर हम ऐसे करें तो इसको हम ये लिख सकते हैं ना, x raised to power n dot 1 divides y raised to power n, इसको ये लिख सकते हैं। अब देखो अगर y raised to power n 1 है तो 1 divides y raised to power n भी क्या होगा, 1, और x raised to power n क्या आया था, 1, इसका मतलब 1 dot 1 कितना आया हमारे पास, 1, इसका मतलब x upon में y की होल रेस्ट टू पावर n हमें 1 मिल गया, 1। अब x अपॉन में y को हम ये नहीं लिख सकते, y को 1 अपॉन में y को y इनवर्स, उसकी पावर n 1। अब देखो किस टाइप के एलिमेंट आएंगे जिनकी पावर n करने पर हमें 1 मिल जाए, अब यहाँ x y इनवर्स की पावर n करने पर हमें 1 मिल रहा है, इसका मतलब एक्स वाई इनवर्स भी हमारे किस में से है, एच में से, एक्स वाई इनवर्स भी हमारा एच में से हो गया, क्योंकि ऐसे एलिमेंट आएंगे जिनकी पावर एन करने पर हमें 1 मिले, तो इसकी पावर एन करने पर हमें 1 मिल रहा है इस प्रोसीजर से, इसका मतलब यही तो हमें दिखाना था, दो एलिमेंट लिए एच में से, उसका इनवर्स हमें एच में से दिखाना है, एक्स वाई इनवर्स। सो हम क्या कहेंगे, जो हमारा H था वो सब ग्रुप हो गया, इसलिए H कौन से ग्रुप का, C नोट क्रॉस का, H ग्रुप C नोट क्रॉस का एक सब ग्रुप है। एच सी नोट क्रॉस का एक सब ग्रुप है, डन। तो ये हमने दिखा दिया हमारा ये सब ग्रुप हो गया, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। मतलब हमें देखो जो हमने ये वाली प्रॉपर्टी की थी इस थ्योरम में, हमने थ्योरम नंबर याद है ना, ये थ्योरम नंबर क्या था, थ्योरम नंबर सेकंड ही थी ये, जो ये वाली करी थी
बट इसमें हमने ना ही कोई फाइनाइट परिमित समुच्चय के लिए किया था, ना ही इनफाइनाइट, मतलब जनरल था ये। एच फाइनाइट भी हो सकता है या इनफाइनाइट भी हो सकता है, कोई कंडीशन नहीं है पर्टिकुलर। ओके, अब यहाँ पे हमने इनफाइनाइट सेट था तो हमने ये अप्लाई कर दिया। ओके, अब हमारा नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल है, इजी था ना, वही डायरेक्ट जो थ्योरम करके आए हैं उसी के बेस पे एग्जाम्पल किया है। अब हमारा एग्जाम्पल है सेकेंड, एच इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी, जहाँ ए और बी क्या है, रेशनल नंबर। हमें दिखाना है सी प्लस का, एच को सी प्लस का सब ग्रुप दिखाना है। अब देखो प्लस है, मतलब अगर हमने दो एलिमेंट लिए एक्स, उसको लिया ए वन प्लस आइटा बी वन, वाई लिया ए टू प्लस आइटा बी टू, दो एलिमेंट लेने हैं एच में से। अब एक्स वाई इनवर्स, यहाँ पर एडिटिव ग्रुप है, मतलब एक्स माइनस वाई। अब हमें दिखाना है एक्स माइनस वाई किस में होगा, एच में। अब डायरेक्ट वही एक्स की वैल्यू पुट करी वाई की वैल्यू, फिर रियल नंबर इकट्ठे और कॉम्प्लेक्स आयोटा के वाले इकट्ठे कर दिए। फिर जब देखो ऐसे होगा ना, ए वन माइनस ए टू प्लस आयोटा बी वन माइनस बी टू, ये रियल नंबर, सॉरी ये रेशनल नंबर, ये रेशनल, तो ये पूरा रेशनल, ए वन रेशनल होना चाहिए, अब बी रेशनल, बी टू रेशनल, तो ये पूरा रेशनल, मतलब ये भी क्यू में से, ये भी क्यू में से, तो हमारा ये किस में हो गया, एच में से। डन, तो इसको मतलब एक एक स्टेप वाइज कर लेना। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट समझा दिया है मेन पॉइंट कि हमें क्या क्या देखना है इसी बेस पर। ओके, सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल। जो हमारी इसमें है ना अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स आएंगे, बट सभी में मोस्टली एग्जांपल्स में यही वाली थ्योरम प्रूफ यूज होनी है। अब ग्रुप तो कोई से भी टाइप का हो सकता है सब ग्रुप के लिए, कि हमने अब तक एडिटिव वाले भी करे हैं, मल्टीप्लिकेटिव भी करे हैं, मैट्रिक्स वाले भी करे हैं, इसलिए हम कोई भी ग्रुप हो सकता है, उसका सब ग्रुप दिखाना है हमें। हमारा थर्ड एग्जांपल है एग्जांपल नंबर थर्ड, एच दिखाना है हमें ग्रुप, ये वही सी नॉट क्रॉस का सब ग्रुप दिखाना है। ये शो करना है हमें एच है क्या, इस फॉर्म का है हमारा एच, ए प्लस बी रूट टू, जहां ए और बी क्या है, रेशनल नंबर, एंड साथ में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो, ये हमारा एच है, इसको हमें सब ग्रुप दिखाना है। ओके, सो देखते हैं आगे इसका प्रूफ। देखो अब हमें सब ग्रुप दिखाना है, फिर वही स्टेप करेंगे हम, दो एलिमेंट लिया उसके लिए एक्स वाई इनवर्स, बट उसके लिए सबसे पहले हमें नॉन एम्प्टी होना चाहिए हमारा जो सेट था ये, तो नॉन एम्प्टी होता है या नहीं, अगर हमने देखो ए की वैल्यू ले ली वन, सिंपल सोपर देखते हैं बी की वैल्यू ले ली जीरो, तो हमारा क्या मिला, ए प्लस बी रूट टू मतलब वन, साथ में ए क्या होना चाहिए, दोनों रेशनल नंबर, वन और जीरो रेशनल नंबर है, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वन स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर, वन है नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब हमारा जो एक एलिमेंट वन था वो एच में बिलोंग कर गया, कम से कम एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ना। हमें सिंपल सोबर एलिमेंट देखते हैं, और सबसे सिंपल सोबर हम ज़्यादातर आइडेंटिटी ही देखते हैं,
क्योंकि अगर सब ग्रुप होगा तो आइडेंटिटी तो होनी ही चाहिए उसके अंदर। अब वन हमें सबसे सिंपल एलिमेंट लगा क्रॉस के लिए, तो हमने वन के लिए देखा, इसका मतलब हमारा एच क्या हो गया, नॉन एम्प्टी और एक तुप समुच्चय है। देन अब देखो यहाँ ये गलती मत करना, सबसे सिंपल सोबर में कहीं जीरो निकालने लग जाओ, ए और बी दोनों की वैल्यू जीरो, ये तो फिर भी हो ही नहीं सकता, रेशनल नंबर है बट दोनों का सम तो जीरो आ रहा है, हमें जीरो तो चाहिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने सी नोट, जीरो तो हमारे सेट के अंदर ही नहीं है, तो सब सेट के अंदर तो हो ही नहीं सकता ना, सब सेट के अंदर एलिमेंट हमारे इसके अंदर ही नहीं है, तो इसके अंदर कहाँ से होगा, नहीं होगा ना। अब हम दो एलिमेंट लेके चलते हैं हमारे, एक्स को लिया हमने ए वन प्लस इसी फॉर्म का बी वन रूट टू, वाई को लिया हमने इसी फॉर्म का ए टू प्लस बी टू रूट टू। डन। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन, ए वन बी वन रेशनल नंबर, साथ में ए वन स्क्वेयर प्लस बी वन स्क्वेयर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, जहाँ या वेयर। अब ये वाला एच में है, मतलब एक्स और वाई दोनों एच में है, अगर अब इसके लिए भी ए टू और बी टू कहाँ से, रेशनल नंबर साथ की साथ ए टू स्क्वेयर प्लस बी टू स्क्वेयर क्या होना चाहिए हमारा, नॉन जीरो, तभी हम कहेंगे ना हमारा वो एलिमेंट हमारा एच के अंदर है। डन। अब हमें वही प्रॉपर्टी लगाएंगे हम एक्स और वाई के लिए, एक्स वाई इनवर्स, एक्स वाई इनवर्स, एक्स क्या था हमारा ए वन प्लस बी वन रूट टू, हमें ये एच में दिखाना है ए वन प्लस बी वन रूट टू, वाई ए टू प्लस बी टू रूट टू का होल इनवर्स, क्योंकि वाई का इनवर्स है। अब इसको आगे सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, देखो इसका इनवर्स का मतलब अपॉन में होगा, यही करते हैं, तो ए टू प्लस बी टू रूट टू। अब रेशनलाइज कर सकते हैं, जो ये टर्म थी इसके प्लस का मतलब इसको कॉन्जुगेट मान लो, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ए टू माइनस बी टू रूट टू, एंड ऊपर भी ए टू माइनस बी टू रूट टू, इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले को सॉल्व कर दिया, डिनोमिनेटर वाले को सॉल्व कर दिया, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो डिनोमिनेटर में तो a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी का प्रोडक्ट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, b कितना था बी टू रूट टू, मतलब बी टू रूट टू का होल स्क्वेयर, यही आएगा, जैसे कि लिख लो यहाँ पे a माइनस बी इंटू में ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब इसको आपस में प्रोडक्ट करना है, ए वन ए टू माइनस ए वन बी वन बी टू रूट टू प्लस बी वन ए टू रूट टू और माइनस बी वन बी टू रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई, टू मतलब टू बी वन बी टू, यही आएगा। अब ए वन ए टू इस वाले टर्म को एक अलग लिख सकते हैं, माइनस टू बी वन बी टू, अब रूट टू कॉमन ले लिया इनमें से, प्लस रूट टू ए टू बी वन, ये ए टू बी वन लिख लो या बी वन ए टू, एक ही बात है ना, माइनस ए वन बी टू। अब अपॉन में ये था ए टू स्क्वेयर माइनस रूट टू का स्क्वेयर टू, टू बी टू स्क्वेयर। अब इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, सेपरेट दोनों के अपॉन में है ये,
अपॉन वाली डिनोमिनेटर वाली टर्म थी, हमने लिख दिया इसको ए वन ए टू माइनस टू बी वन बी टू अपॉन में ए टू स्क्वेयर माइनस टू बी टू स्क्वेयर प्लस ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू अपॉन में ये डिनोमिनेटर वाली टर्म ब्रैकेट में रूट टू, इसको इसे डिवाइड कर दिया एंड इसको इस टर्म से भी डिवाइड। हमने क्यों किया, देखो हमें क्या दिखाना है, ये एच के अंदर एक्स वाई इनवर्स तो इस फॉर्म का एलिमेंट होना चाहिए ना हमारा ए प्लस बी रूट टू का, जहाँ ए और बी रेशनल नंबर। अब ये और ये इस फॉर्म का लग तो रहा है, थोड़ा थोड़ा आइडिया तो हो रहा है, बट कब होगा, अगर ए और बी दोनों रेशनल नंबर, ये वाली पूरी टर्म होगी रेशनल नंबर। देखो रेशनल नंबर किस फॉर्म के, पी बाई क्यू फॉर्म के, और क्यू क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो, ये होता है। अब देखना है ये हमारी जो टर्म है ये जीरो आती है या नहीं, अगर ये टर्म जीरो ही आ गई हमारी तो वन अपॉन जीरो तो नॉट डिफाइन होता है। तो हम देखते हैं, अगर हमने माना ए टू स्क्वेयर माइनस टू बी टू स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, हमें पता नहीं है ना जीरो हो भी सकते हैं नहीं भी, हमने कहा अगर जीरो हुआ तो ए टू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू बी टू स्क्वेयर। अब रूट कर सकते हैं ए टू इज इक्वल टू टू बी टू स्क्वेयर की रूट कितना आएगा, प्लस माइनस रूट टू बी टू, यही आएगा ए टू की वैल्यू ये। बट देखो रूट टू तो क्या होता है हमारा इरेशनल नंबर, जो बी टू था रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया हमने रूट टू जो कि इरेशनल नंबर होता है हमारा अपरिमेय संख्या, तो हमारा ए टू क्या आ गया, अपरिमेय मतलब नॉट बिलोंग्स टू क्यू, बट ये तो हो नहीं सकता क्योंकि हमने ए टू तो रेशनल नंबर से लेके चले हैं, इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन या विरोधाभास। कॉन्ट्राडिक्शन जो संभव नहीं है, इसका मतलब हमारा ए टू स्क्वेयर माइनस टू बी टू स्क्वेयर क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, ये नॉन जीरो हो गया। तो ये वाली टर्म थी हमारी और ये वाली टर्म क्या होंगी, दोनों रेशनल नंबर में से हो गई मतलब Q में से बिलोंग कर गई। अब इन दोनों का सम, स्क्वेयर का सम भी क्या होता है, नॉन जीरो। इन दोनों का स्क्वेयर का सम निकालेंगे, इसका स्क्वेयर होल स्क्वेयर प्लस इसका होल स्क्वेयर, उनका सम नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। अगर ज़्यादा ही करो तो कोई एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करके देख सकते हो, ए वन ए टू की जगह कोई वैल्यू फुट कर लो फिर उनके स्क्वेयर का सम करके देखो नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है क्या। तो इसका मतलब ये हमारा इसी फॉर्म का हो गया जिसमें हमें एच के अंदर जिस टाइप के एलिमेंट चाहिए, तो क्या मिल गया, ये हमारे एक्स वाई इनवर्स एच के अंदर मिल गया। एक्स वाई इनवर्स हमें एच में मिल गया, और जो ये वाली टर्म थी ये भी रेशनल में से हो गई, और ये वाली पूरी टर्म भी हमारी रेशनल नंबर या परिमेय संख्या हो गई। डन, ये डिनोमिनेटर वाली नहीं, ये पूरी टर्म, ये भी पूरी टर्म, डन। तो ये हमारा एक्स वाई इनवर्स हमारा किस में से आ गया, हमारा एच में से आ गया, जो कैपिटल एच क्या था हमारा, इस फॉर्म का एलिमेंट था, सब सेट साइज फॉर्म का। डन, तो हमने इसको सब ग्रुप दिखा दिया। वैसे ही हम आगे वाले एग्जांपल्स भी कर सकते हैं, इसी के नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा फोर्थ मैट्रिक्स के लिए। मैट्रिक्स के लिए इनवर्स निकालना आता है ना, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स या बी इनवर्स। अगर हमें ए इनवर्स निकालना है तो क्या करते हैं हम, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए,
अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है ना, ये सब आपने किया हुआ है स्कूल में। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम इस टाइप से हम हमारा किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं, ए इन्वर्स या बी इन्वर्स नाम दे दो, कुछ भी सिंबल तो कुछ भी यूज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल उसी बेस पर है मैट्रिक्स के लिए ही, क्योंकि सेट ऑफ मैट्रिक्स हमने देखा था ग्रुप होता है विद एडिटिव ऑपरेशन, या मल्टीप्लिकेशन के लिए भी देखा था हमने। सो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है फोर्थ एग्जांपल, एच को दिखाना है हमें सब ग्रुप मैट्रिक्स गुणा के लिए। अब हमारा जी क्या है? ए बी सी डी, जहाँ पर ए बी सी डी क्या है? रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, साथ में ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू जीरो। अब एच क्या है हमारा? ए बी जीरो डी, इस फॉर्म का, जहाँ पर ए बी और डी क्या है? रियल नंबर एंड ए डी हमारा नॉट इक्वल टू जीरो। देन हमारे जी और एच इस फॉर्म के हैं। अब हमें दिखाना क्या है? एच को जी का सब ग्रुप दिखाना है। सबसे पहले नॉन एम्प्टी होना चाहिए, अरिक्त उपसमुच्चय है। देखो एच के अंदर इस फॉर्म के एलिमेंट हैं, अगर हमने डायरेक्ट ही ले लिया, अगर 1101 बेसिक समेत यही याद आते हैं, ए डी नॉन जीरो, ए ये डी ए, 1.1 नॉन जीरो मतलब ए डी नॉन जीरो आ गया, सारे एलिमेंट रियल तो हमने रियल लिया। इसका मतलब ये एलिमेंट कहाँ से है? एच में से आ गया, तो हमारा एच क्या हुआ? नॉन एम्प्टी या अरिक्त उपसमुच्चय है। अब वही प्रोसीजर, कोई भी दो एलिमेंट लिए मैट्रिक्स फॉर्म में है, तो हमने ए और बी ले लिया, या एक्स और वाई लेना चाहते वो ले लेते हैं। ए मतलब ए वन बी वन जीरो डी वन, फिर बी को लिया हमने ए टू बी टू जीरो डी टू। अब हमें दिखाना है ए बी इनवर्स, ए बी इनवर्स क्या होना चाहिए हमारा एच के अंदर? ये भी एच में है, ये भी एच में है। अब ये एच में होने का मतलब सारे एलिमेंट ए वन बी वन डी वन रियल नंबर में से, साथ में ए डी वन, ये रहा ए डी वन, ए वन डी वन नॉन जीरो, इसके लिए ए टू बी टू डी टू रियल नंबर। अब ए टू डी टू नॉन जीरो। अब हम दिखाना है ए बी इनवर्स, यही दिखाना है, क्या आएगा? अब देखो पहले बी इनवर्स देखो, बी इनवर्स को हम क्या लिखते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए, या एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ बी, ऐसे लिखते हैं। अब देखो डिटरमिनेंट ऑफ बी कैसे निकालते हैं? इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट। डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालने के लिए ए टू डी टू माइनस जीरो डॉट बी टू, इन दोनों को आपस में माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। जीरो को किसी से ऑपरेट किया तो जीरो ही, मतलब मिला क्या? ए टू डी टू, डिटरमिनेंट ऑफ बी आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ बी कितना होता है? टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स है ना, तो क्या एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं और इन दोनों का साइन चेंज, मतलब इन दोनों को इंटरचेंज का मतलब पोजीशन आपस में उल्ट पुल्ट हो जाती है। ए टू की जगह डी टू
डी टू की जगह ए टू, ए टू की जगह डी टू लिख दिया और डी टू की जगह लिख दिया हमने ए टू, डन। अब इन दोनों का साइन चेंज, अब जीरो के आगे तो नेगेटिव लगाओ पॉजिटिव लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी टू का आगे पॉजिटिव था हमने क्या कर दिया माइनस नेगेटिव माइनस बी टू, सबको पता है ना एडजॉइंट निकालने का, तो या डायरेक्ट ही बता रहे हैं, अगर किसी को नहीं पता हो तो बता देना। इन दोनों को इंटरचेंज किया आपस में पोजीशन, इन दोनों का साइन चेंज, इन दोनों का साइन चेंज मतलब नेगेटिव पॉजिटिव होता तो नेगेटिव, नेगेटिव होता तो पॉजिटिव, तो एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। इसका मतलब बी इनवर्स कितना आया हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डी टू माइनस बी टू जीरो ए टू, डन। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं ना, अंदर वन अपॉन में है अंदर ले गए, कितना मिलेगा डी टू अपॉन में ए टू डी टू, फिर माइनस बी टू अपॉन में ए टू डी टू, फिर जीरो को किसी से भाग दिया तो जीरो ही, अब ए टू अपॉन में ए टू डी टू, अब देखो डी टू से डी टू कैंसिल, बचा क्या वन अपॉन में ए टू, यहाँ माइनस बी टू अपॉन में ए टू डी टू, और ये भी जीरो, और ये ए टू से ए टू कैंसिल, तो वन अपॉन में डी टू। डायरेक्ट प्रोसीजर ही कर रहे हैं अभी, यहाँ पे कुछ नया तो नहीं करा, वही एडजॉइंट निकाला डिटर्मिनेंट निकाला फिर उनको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया कि अब हमें निकालना क्या था ए बी इनवर्स, हमें बी इनवर्स पता चल गया, ए तो हमें पता ही था ए बी इनवर्स निकाल सकते हैं, ए बी इनवर्स ए क्या था हमारे पास ए वन बी वन जीरो बी वन, बी इनवर्स क्या था वन अपॉन में ए टू, ये रहा बी इनवर्स माइनस बी टू अपॉन में ए टू डी टू, जीरो वन अपॉन में डी टू, यही। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है ना सबको, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से इसको इसे गुना, मतलब फर्स्ट को फर्स्ट से क्या आएगा ए वन अपॉन में ए टू, एंड प्लस बी वन को जीरो से बी वन डॉट जीरो, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से गुना करना है तो माइनस ए वन बी टू अपॉन में ए टू डी टू, फिर बी वन को इससे प्लस बी वन अपॉन में डी टू, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम इसको इससे जीरो डॉट वन अपॉन में ए टू प्लस डी वन डॉट जीरो, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से जीरो डॉट माइनस बी टू अपॉन में ए टू डी टू प्लस डी वन अपॉन में डी टू, डन। अब देखो जीरो से गुना करना है किसी को, जीरो ही बचा क्या ए वन अपॉन में ए टू, अब इसको गुना किया तो बचा यही हमारा, इसका एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हैं, ए टू डी टू माइनस ए वन बी टू प्लस ए टू बी वन, अब इसके लिए जीरो से गुना जीरो से गुना फिर ऐड तो जीरो ही, अब इसके लिए जीरो से गुना किया जीरो बचा क्या डी वन अपॉन में डी टू, अब हमारा जो ए बी इनवर्स आया था ना इस फॉर्म का आया है इस फॉर्म का, अब हमें देखना है ये हमारा एच के अंदर है या नहीं, एच के अंदर बिलोंग करता है या नहीं करता, यही देखना है।
H के अंदर किस टाइप के? तीनों रियल नंबर होने चाहिए। ये हमारा रियल नंबर है और ये भी, क्यों? क्योंकि हम देखो ना A2 को जीरो ले सकते ना ही D2 को जीरो ले सकते। रियल नंबर कब ना होता? अगर ये 1/0 फॉर्म का होता, मतलब A2 की वैल्यू जब हमारी जीरो आ जाती, बट A2 की वैल्यू जीरो नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि हमने क्या लिया है, A2 डॉट D2 नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब A2 भी नॉन जीरो है और D2 भी नॉन जीरो है, क्योंकि एक भी जीरो होते ही जीरो डॉट डी टू जीरो हो जाता है ना, बट हमें तो नॉन जीरो लिया है, इसका मतलब दोनों नॉन जीरो। ये हमारा रियल नंबर, ये भी। अब ए टू डॉट डी टू वो तो हमने डायरेक्ट लिखा ही हुआ है नॉन जीरो, मतलब ये तीनों एलिमेंट क्या हो गए, रियल नंबर में से बिलोंग हो गए। साथ में ए डी मतलब डायगोनल के एलिमेंट थे ना, विकर्ण के अवयव, उनका प्रोडक्ट नॉन जीरो। ए का डी के साथ गुना नॉन जीरो आना चाहिए, इसका इसके साथ गुना ए वन अपॉन में ए टू गुना डी वन अपॉन में डी टू क्या आएगा, ए वन डी वन अपॉन में ए टू डी टू, ये नॉन जीरो। जीरो कब होता? अगर ए वन डी वन जीरो हो जाता, बट ए वन डी वन तो हमारा नॉन जीरो लेके चले हैं हम, क्योंकि ए इस टाइप का ही मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये हमारा नॉन जीरो हो गया एस ए वन डी वन नॉट इक्वल टू जीरो, डन। तो ये नॉन जीरो हो गया हमारा, विकर्ण के अवयवों का प्रोडक्ट। इसका मतलब जो हमारा ए बी इनवर्स था किस में से आ गया, एच में से आ गया, यही तो हमें दिखाना था। अगर ए बी इनवर्स हमारा एच में से आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, वो हमारा सब ग्रुप हो गया। सब ग्रुप के लिए डायरेक्ट मतलब हमें दिखाना यही होता है, इसको कैलकुलेट करना है बस। अब एलिमेंट किस फॉर्म के हैं, मैट्रिक्स फॉर्म के हैं, जैसे लास्ट एग्जांपल में ए प्लस बी रूट टू फॉर्म के थे, कुछ भी फॉर्म के हो सकते हैं। अब डायरेक्ट उनका कैलकुलेशन करनी है, या हम मैट्रिक्स फॉर्म के थे तो अब बी इनवर्स निकालना हुआ, मैट्रिक्स में बी इनवर्स कैसे, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ बी से निकालते हैं, इस फॉर्म से निकालते हैं। ये वैसे अपने स्कूल में किया भी हुआ है, बट किसी के तो फर्स्ट ईयर में मैट्रिक्स की बुक भी है, उसमें भी करा होगा। अगर नहीं किया आपने फर्स्ट ईयर में तो आगे बुक में कर लोगे आप, तो मैट्रिक्स की बुक कराई जाएगी आपको। ओके, सो ये हमने बी इनवर्स निकाल लिया, फिर कैलकुलेशन कर ली मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया हमारा ए बी इनवर्स, किस में से हमारा एच में से हो गया। तो इसका मतलब जो हमारा एच सबसेट दिया हुआ था, ये शो करना है हमें, शो कि एच सब ग्रुप है जी का, डन। तो ये हमने सब ग्रुप निकाल लिए। ओके, सो इनको एक बार अच्छे से देख लेना कि सब ग्रुप कैसे निकाल रहे हैं, वही हम यूज तो वही थ्योरम ही कर रहे हैं, बस उसमें अलग अलग एग्जांपल्स किए हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।